नागरिकता संशोधन बिल पर जहां देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस सहित कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने इस कानून को एमपी में लागू करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता और दिग्विजय सिंह के भाई ने इस बिल का समर्थन किया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर अब बहस नहीं होनी चाहिए, कानून बना है तो इसका पालन सभी को करना चाहिए। ये कहना था कि संसद में जो कानून बनता है पूरे देश के लिए बनता है, हम उससे सहमत हो सकते हैं, हम उससे असहमत हो सकते हैं। सदन में उसको हमने उठाया, लेकिन बहुमत से जब वो पारित हो गया है, कानून बन गया है, तो हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए जी। और उसमें कुछ विसंगतियां हैं तो हम उसका संशोधन के लिए हम प्रस्ताव दे सकते हैं जी। और इसमें मध्य प्रदेश इस तरह एक इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जी। देखिए, जो हिंदू यहाँ रह रहे हैं एक शरणार्थी की तरह, उनको उन्होंने नागरिकता देने का एक प्रावधान किया है, दैट्स ऑल, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें इतना बड़ा विरोध जताने की, बवंडर मचाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में लागू होना चाहिए, सभी जगह लागू होगा तो मध्य प्रदेश में भी होगा। अब उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन कानून को तो मानना पड़ेगा ना जी। हम सरकार में रह के एक देश के कानून को नहीं मानेंगे, ठीक नहीं। इससे पहले भी लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता कानून पर ट्वीट करके इस कानून का समर्थन किया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश में 10 दिन के भीतर कर्ज माफी न होने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था और उनसे मध्य प्रदेश के किसानों से माफी मांगने को कहा था। वहीं चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर वो अपने भाई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट,